Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Okay, तो आज का जो मेरा vlog है वो barbecue का plan किया है और not at our home but we will go somewhere outside. तो ये है कि इसमें मैंने खुद सारा करना है, इसकी responsibility मैंने टेक ओवर कर ली है barbecue की और wife को मना कर दिया आयशा को. तो अभी मैं उसके लिए बारबेक्यू के लिए बेसिकली सी फूड का हमारा बारबेक्यू है और उसके लिए जो है अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, जो परचेजिंग वगैरह होगी इंशाल्लाह फ़िश की प्रॉन्स की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और बहुत सारे काम हैं जैसे कि सर्विस करवानी है मुझे गाड़ी की, बहुत टाइम से पेंडिंग थी गाड़ी का. थोड़ा सा मैंने डेंट बेंट का काम करवाया था तो उसके बाद से इसकी पूरी इंटर क्लीनिंग जो है वो ड्यू थी. मी एंड स्टे कनेक्टेड. मैट वगैरह बेटा सही तरह निकालना सारे. समझ लेंगे आप खाना पीना सारे बच्चों का इसमें ही होना है. ये इसकी सर्विस शुरू हो गई है. ये इसका जो पंप है वो है यहाँ पे इसके रोड पे है और मैं इस पंप को मतलब ये सर्विस स्टेशन को मैं बहुत पसंद करता हूँ. ये हमारे गुल्लू भाई हैं और ये मेरे बहुत पुराने, यहाँ से मैं सर्विस कराते हुए आ रहा हूँ. गुल्लू भाई सर्विस काम बहुत अच्छा होना चाहिए, वीआईपी काम होना चाहिए और ऐसा हो कि बस आज मैंने, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है बारिश की वजह से, पिछले हफ्ते मैं नहीं आया था, मैं रुक गया था. मैंने कहा यार चलो भी था बारिश हुई उसके बाद मैं फिर करूँगा, तो मैंने कहा आज ये जो है ना फिर से सर्विस हो जाए, वीआईपी काम हो जाए. ठीक है One eternity later. Okay, so guys, I just reached at the Waterman Market. ये क्या था भाई? 2400 रुपए. भाई 2-2.5 किलो तक का मैक्सिमम, 2 किलो. Few inches later. ओके गाइस, तो मेरी जो मार्केट की शॉपिंग थी वो हो गई थी और मैं आके मैंने सारा वॉश करके और फिर अभी टाइम आ गया कि चिकन को मुझे इसको मैरिनेट करना है. तो पहले चिकन मैरिनेट करूँगा, उसके बाद फिर मैं फिश जो है वो करना है, उसके बाद फिर प्रॉन. तो मसाले वगैरह थोड़े सेट कर दिए थे. टिक्का मसाला आ गया, ज़ीरा आ गया, नमक है, गरम मसाला है, ज़ीरा मसाला है, तो सारे मसाले थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे. और पहले बल्कि सबसे पहले मैंने खाना है 2 चम्मच इसमें दही. ये हो गया इसमें 2 चम्मच दही और अब ये मैंने इसमें डाल दिया टिक्का मसाला सबसे पहले, इसके बाद गरम मसाला आ गया, जीरा पाउडर, मेरा का जो है वो चला जा रहा है पीछे लियाना और वो दोनों लगी हुई है कमरे में और अगर वो यहाँ पर हो तो सारी तबाही जाए. तो उन लोगों को सेट करके के बाद ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं 5 बजे तक जो है ना वो 5-5:30 बजे तक अराउंड अंधेरा शुरू हो जाता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं 3:30 बजे जो है ना वहाँ पे पहुँच जाऊँ और जो मेरी हमने यहाँ पे जाके बारबेक्यू करना है और ये स्टार्ट करना है, मतलब कोयला वगैरह जलाएँ और फिर वो बारबेक्यू स्टार्ट करने, क्योंकि शॉर्ट डे है तो जल्दी भी करना पड़ेगा. अच्छा ये अब मिक्सअप तो मैंने कर दिया इसको, अब एक इसमें डलेगा लीमू. इसमें एक पूरा लीमू आ गया, इट्स मोर देन इनफ. अच्छा इसमें मैंने कोई इतना हैवी मसाला की कोटिंग नहीं करी, उसकी वजह ये है कि वो फिर वो वाली बात नहीं होती कि जो प्रॉन के ऊपर फिर मसाला ही मुंह में आ रहा होता ज़्यादा और प्रॉन का अपना एक टेस्ट नहीं आता, तो कोई ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं करी मैंने. ये अपनी फ्रेंड को लेकर आ गई और यहाँ पे बैठ गई डॉली को. ओके ये नींबू मसाला हो गया और
ऑलमोस्ट मैंने सारे नींबू उसमें डाल दिए। Inches later. ये सदाम है। सदाम खैर है? ठीक है सदाम, लड़काने से तुम कब आए हो? मैं कल पहुंचा हूं, परसों। अच्छा, और मजे किए तुमने लड़काने में? बकरे हैं और उधर चले गए, दिखाना कौन से बकरे हैं। ये मारने वाले तो नहीं है? नहीं नहीं, है तो बड़ा खतरनाक। नहीं नहीं, वो वाला बड़ा खतरनाक लग रहा है। वो ही है, वो ज्यादा डरपोक है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई, ये क्या चीज है? ये तो वो लग रहा है मारखोर है, मारखोर मारखोर टाइप लग रहा है। बस अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अपना बारबेक्यू, एंड इट्स बिगिन नाउ। इधर आ जाइए मेरा, अभी स्विमिंग पूल में वाटर नहीं है, इधर आ जाए। स्विमिंग पूल खाली है अभी क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का सीज़न है, तो लोग भी आते नहीं है सच पानी में, और गर्मियों में ये फुल रहता है। इलियाना बहुत तेज़ हूँ। कोयले रेडी हैं बेटा, इसके टिक्के रखने। लियाना को दूर करें, लियाना फिर में हो वाओ ब्यूटीफुल। ये है जंबो साइज प्रॉन, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर फिश। अब मैं फिश लगा दिए, प्रॉन्स के साथ फिश। मेरा आपने खाए प्रॉन्स? मेरा इन दोनों को हमने पहले शुरू करा दिया क्योंकि बहुत भूखे हो रहे थे। जबरदस्त मसाला लगा, फुली मैरिनेटेड। ओके जी, तो थक हार के फाइनली हम घर आ गए फार्म हाउस से, बारबेक्यू वगैरह करके। सब बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा टेस्ट लगा था, वाइफ को भी बहुत पसंद आया था और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा जो है वो हमने सोचा ये था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि मंथ ऐसा दिसंबर का शुरू हो गया था, तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी, तो उन्होंने जो है वो सारा जो बच्चों के जो कपड़े वगैरह थे वो उसके हिसाब से किया था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ठंड बिल्कुल भी नहीं थी और लिटरली फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग दिसंबर के मंथ में। तो खैर एनीवेज, मैं इस व्लॉग को अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दीजिए, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग से जो है वो अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि मेरे अब इंशाल्लाह जो है वो इवेंट्स भी हैं इन कमिंग डेट्स, तो मैं आपको इवेंट्स के व्लॉग से भी अपडेट करूँगा, और इसके अलावा और जो ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।